दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेशन 2015-2016 के एडमिशन के लिए गाइडलाइंस तो तैयार हो गई हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर यूनिवर्सिटी उलझन में है इसी उलझन को दूर करने के लिए एडमिशन कमेटी की 7 मई को एक मीटिंग हुई, जिसमें गाइडलाइंस पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में एडमिशन से लेकर कट ऑफ लिस्ट का शेड्यूल पेश किया गया और शेड्यूल को अप्रूवल के लिए कमेटी के सामने रखा गया। इस मीटिंग में स्पोर्ट्स एडमिशन का एजेंडा भी रखा गया। इस बार डीयू स्पोर्ट्स कोटे के एडमिशन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स कोटे के एडमिशन में सेंट्रलाइज्ड फिटनेस टेस्ट और कॉमन रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का प्रपोजल बनाया है, लेकिन एडमिशन कमेटी के सदस्य स्पोर्ट्स एडमिशन में कुछ और बदलाव की मांग कर रहे हैं। एडमिशन कमेटी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही यूनिवर्सिटी को फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए। अभी स्टूडेंट्स पहले कॉलेजों में अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिटनेस टेस्ट होता है। इससे बेहतर है कि पहले फिटनेस टेस्ट हो, ताकि टेस्ट को क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स ही स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई कर सकें। साथ ही स्टूडेंट्स को फिटनेस टेस्ट क्लियर करने के लिए कम से कम 2 बार चांस मिलना चाहिए। इसके अलावा कॉलेजेस में ट्रायल के लिए बने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य को स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट के मार्क्स नहीं पता होने चाहिए, इससे ट्रायल के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसी तरह से कुछ और सुझाव भी सदस्यों ने यूनिवर्सिटी के सामने रखे। वैसे 7 मई को हुई इस मीटिंग में डीयू की गाइडलाइंस को लेकर डीयू के अप्रूवल का इंतजार होगा। अब देखना होगा कि इस बार छात्रों के लिए बनाई जा रही गाइडलाइंस में कितने बदलाव होंगे और वो छात्रों के लिए कितने मददगार साबित होंगे। कैमरामैन ललित के साथ ऋचा शर्मा, टोटल न्यूज।